सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विशु ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम लोग क्लास टेंथ का मैथ एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जानेंगे। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसमें हमने चैप्टर 8, 9, 10 और 1 और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को करवा रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ से उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और साथ में अगर साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा विशु ट्यूटोरियल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करेंगे। इसमें टोटल हमारे 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए, बी, सी। हम लोग पार्ट ए को देखते हैं, ए में हमारा क्या है। देखिए, ए में हमारा बोल रहा है, ए पार्ट है हमारा कि फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स, सॉरी, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल पी एक्स को पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करना है और कोशेंट एंड रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, पी एक्स क्या होता है, बचपन में हम लोग अभी तक डिविजर और डिवाइडेड जाते थे, तो जो वहाँ पे हमारा डिवाइडेंट था वही हमारा यहाँ पे अब हमारा पी एक्स बन चुका है, और जो वहाँ पे हमारा डिविजर था वो अब यहाँ पे हमारा जी एक्स बन चुका है, और कोशेंट और रिमाइंडर हमारा सेम टू सेम वही है। तो इन्हें फाइंड करने के लिए हमें कैसे फाइंड करना है, देखिए, जो जी एक्स हम क्या करते हैं, डिविजर बताएं, डिविजर से हम लोग डिवाइड देते हैं किसमें, डिवाइडेंट में, और डिवाइडेंट हमारा क्या है, पी एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको हमें डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, इसका सबसे पहले जो भी आपको बीच वाला डिविडेंट रहेगा, पी एक्स रहेगा, उसका स्टार्टिंग वाला देखिए, स्टार्टिंग में क्या है, एक्स क्यूब है, स्टार्टिंग में हमारा एक्स क्यूब है। तो ये जो हमारा एक्स माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, हम इसी को देखेंगे कि इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि इसका ये फर्स्ट वाला हमारा आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, अगर एक्स में हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, जब इसमें करेंगे तो ये पूरा हमारे एक्स आता है, तो यानी कि जो एक्स है उसको हम लोग इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, और एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई किए, एक्स से मल्टीप्लाई किए, ये जो एक्स है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, और जो आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या आया, एक्स क्यूब माइनस, और जिसका आएगा, जैसे एक्स का पावर कितना है, 1 है, जिसको एक्स के पावर 1 वाले के सामने ही लिखेंगे, एक्स क्यूब 3 पावर था तो एक्स पावर 3 वाले के नीचे लिखेंगे उसके सामने, और एक्स के पावर 1 है तो यहाँ पे हम लोग माइनस 2x लिखेंगे। अब देखिए, डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाला रहेगा तो उसका साइन हम लोग चेंज कर देंगे, इसके आगे हमारा क्या है, प्लस है, तो इसको माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा यहाँ माइनस 3x स्क्वायर, इसको वैसे हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, तो 5 और 2 मिलकर हमारा कितना हो गया, 7x और माइनस 3। इतना करने के बाद अब हमें फिर से इसके फर्स्ट वाले पार्ट को देखना होगा कि क्या है हमारा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 लाना है हमें कितना, माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि माइनस लाने के लिए एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 आगे में लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर है ये, तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 इंटू माइनस 2 करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, अब माइनस 3 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, कितना से मल्टीप्लाई किए, माइनस 3 से, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, और जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और प्लस 6, ये बिना एक्स वाला था तो ये भी बिना एक्स वाला था, तो इसलिए इसके सामने लिखे, साइन चेंज कीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट, बस ये कितना, 7x माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 6 9, और जो ग्रेटर होता है उसका साइन, ये 6 का साइन अब प्लस नहीं रह गया, तो 6 का साइन क्या है, माइनस है, तो जो साइन रहता है ग्रेटर का वही, तो ये हमारा हो गया कोशेंट, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो यही हमें फाइंड करना था, कोशेंट और रिमाइंडर, तो ये था पार्ट है, और ये हमारा आंसर।
इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे देखा जाए। ओके चलिए अब इसके बी पार्ट को देखते हैं। इसके बी पार्ट में हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर, पी एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा दिया हुआ है एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और जो जी एक्स है इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं इसको, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्योंकि हम लोग वेरिएबल के पावर का अनुसार क्या करते हैं इनको अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज कर लिए या इसको चाहे तो सिर्फ हम लोग ऐसे ही करके इसको छोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो देखिए डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स को कितना में, एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव में, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स हमें लाना है कितना, एक्स का फोर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर फोर, कितना से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, आया हमारा कितना एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, और माइनस माइनस प्लस जो माइनस एक्स क्यूब है ये प्लस एक्स क्यूब हो गया, तो इसको आगे लिख लेते हैं एक्स क्यूब। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मिलकर फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस फाइव, तो अब हमें लाना है कितना एक्स क्यूब लाना है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स की है एक्स स्क्वायर माइनस में इससे करेंगे तो एक्स और प्लस एक्स क्यूब, कितना से मल्टीप्लाई किए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किए, आया हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस तो फोर में से एक एक्स जाएगा तो बचेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस फोर में से जाएगा प्लस थ्री एक्स और ये प्लस फाइव, और इसको ले जा सकते हैं तो बिल्कुल, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन को हमको लाना है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अगर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, और ये हमारा माइनस थ्री और ये हमारा थ्री एक्स स्क्वायर और ये माइनस, कितना से मल्टीप्लाई किए माइनस थ्री से, आया हमारा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, साइन चेंज कीजिए प्लस माइनस प्लस ये कर देगा प्लस माइनस और फाइव थ्री एट ये हो जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया हमारा एट और ये हमारा आ गया कोसेंट और ये हो गया इसका आंसर। ये था बी, अब देखते हैं हम लोग इसके सी को, ये बी था ठीक है, इसके सी पार्ट में हमारा क्या है, सी में हमारा दिया पी एक्स इक्वल टू एक्स फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और टू माइनस एक्स स्क्वायर, जिस टू माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू भी लिख सकते हैं, सॉल्व कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइड करना है एक्स फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से, तो हमें लेना कितना है एक्स का पावर फोर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू में कितना मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का पावर फोर आ जाएगा, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और एक स्क्वायर कर देंगे, इससे जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू एक्स स्क्वायर और इससे जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स का पावर फोर हो गया, कितना से मल्टीप्लाई किया हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर से, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, आया कितना एक्स का पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, टू एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया माइनस फाइव एक्स रह गया
और प्लस 6 रह गया, जो नहीं कटता उसको वैसे हम लोग सिंपली वहीं पे उतार देते हैं। तो इतना हो गया, उसको यहाँ रख दिए। अब हमें माइनस एक्स कितना मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, हमें लाना है 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस एन एंटर के एक और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 4 हो जाएगा और हो जाएगा 2x स्क्वायर। सही है, मल्टीप्लाई किया हम लोग माइनस 2 से, आया हमारा 2x स्क्वायर माइनस माइनस 4। अब देखिए ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 5x और 6 और 4 कितना हो गया प्लस 10 और ये हो गया इसका रिमाइंडर। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये x स्क्वायर है और x का पावर 1 है। कितना भी पावर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में पावर बढ़ता है ना कि घटता है, तो अब नहीं हो सकता, इसलिए ये रिमाइंडर और ये क्वेश्चन यही है हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल, हमें पता करना है जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है कि नहीं। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, ठीक है, हमें यही फाइंड करना है कि फैक्टर है या नहीं। तो इसको सिंपली कैसे करते हैं हम लोग, देखिए हमें क्या करना है, डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पॉलिनोमियल में, और हमें फाइंड करना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। इसका एम हमारा दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 3 फर्स्ट पॉलिनोमियल है, और जो सेकेंड पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है हमारा 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। तो इससे हमको इसमें डिवाइड देना है और बताना है कि ये हमारा फैक्टर है या नहीं है। चलिए डिवाइड देते हैं, t² माइनस 3 डिवाइड देना हमको 2t³ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 को, इसको इससे डिवाइड देना है। इतना मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2t³ आ जाए, टी स्क्वायर माइनस 3 में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2t³ आ जाए। तो लोग मल्टीप्लाई करेंगे टी से और एक 2 से, तो 2 ही करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, और 2 का 2 और 2 इंटू 3³ कितना हो जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई किए हम लोग 2t से, ओके टी का पावर 4 है, सॉरी टी का पावर 4 है, तो टी का पावर 4 है, तो हम लोग टी स्क्वायर से करेंगे तो 60² और यहाँ टी का पावर 4 मल्टीप्लाई किया हम लोग 2t² से, तो आया हमारा 2t4 माइनस माइनस 60² तो देखिए नीचे वाले का साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये कैंसिल आउट, आया हमारा 3t³ प्लस माइनस माइनस ये प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12। और 3t³ लेना है तो टी स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3t³ आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t² आ जाएगा, एक और टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t³ आ जाएगा, तो 3 जा 90 माइनस 3t³ कितना से मल्टीप्लाई किए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई किए प्लस 3t से, आया हमारा 3t³ माइनस 9t, तो ये माइनस और ये प्लस ये कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, बचा हमारा 4t² माइनस 12। अब टी स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4t² आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 ये माइनस और 4t² मल्टीप्लाई किए प्लस 4 से, आया हमारा 4t²
माइनस ट्वेल्व, साइन चेंज कीजिए, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, आ गया हमारा कितना जीरो, तो रिमाइंडर कितना आ गया जीरो, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर आई इज इक्वल टू जीरो, इसलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, सिंपली अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हमारा उसका फैक्टर होगा। अब इसके अगर बी पार्ट को देखा जाए, बी में हमारा दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और सेकेंड पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है थ्री एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब, थ्री एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स प्लस टू, यह हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, डिवाइड करेंगे थ्री एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू से, एक्स स्क्वायर का कितना मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स फोर आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है, अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का पावर फोर आ जाएगा, लेकिन थ्री बताना है तो थ्री से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन से मल्टीप्लाई करने पे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स फोर हो जाएगा, इतना क्लियर है। तो किससे मल्टीप्लाई किया हम लोग, थ्री एक्स स्क्वायर से, तो जो उससे मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ लिखते हैं, आया जो उसको यहाँ लिखते हैं, कितना है हमारा थ्री एक्स फोर प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, तो नाइन में से फाइव जाएगा फोर एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो सेवन और थ्री टेन एक्स स्क्वायर, जो बच गया उसको यहाँ पे लिख देते हैं टू एक्स प्लस टू। अब हमें एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि माइनस फोर एक्स क्यूब आ जाए हमारा, तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एक्स क्यूब करने के लिए एक और एक से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई किया वन में तो माइनस फोर एक्स, फोर थ्री जा ट्वेल्व और एक्स 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 स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, इसे करेंगे तो माइनस फोर एक्स क्यूब, कितना से मल्टीप्लाई किया हम लोग माइनस फोर एक्स से, तो लिखेंगे माइनस फोर एक्स, आया कितना माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस 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 और प्लस चार दो छः एक्स प्लस टू। अब हमें क्या करना है, टू एक्स स्क्वायर लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में, अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें तो टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो टू वन या टू, टू थ्री या सिक्स एक्स, और टू इंटू एक्स करेंगे टू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया हम लोग प्लस टू से, आ गया हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर आ गया हमारा जीरो, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर है जीरो, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इसी प्रकार इसका जो थर्ड है ये बी था, सी को आप लोग कर दीजिएगा और उसका जो आंसर होगा वो हमारा आर डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो इसको करके आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।